हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। तो टेक्योमेट्रिक, थियोडोलाइट और जो भी आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस हैं उनके बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले थे और उनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आप लोगों से एसएससी जेई के अंदर पूछे गए हैं उनको हम एक एक करते हुए यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल इस पर्टिकुलर सेशन का आप लोगों के सामने, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट करो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट इफ द स्टाफ रीडिंग आर 1.4 मीटर एंड 2.9 मीटर which corresponds to the lower and upper horizontal lines of crosshair, the lens of the telescope of the tachymeter is of analytic lens. आप लोगों को यहाँ पर क्या calculate करके दिखाना है? आप लोगों को यहाँ पर calculate करनी है horizontal distance. तो horizontal distance calculate करने के लिए, जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ पर देखो आपको ना एक बात और बता देता हूँ कि जो upper hair रहता है ना, ये upper hair देखो दो तीन तरह से hair दिखेंगे। एक तो ये देखो, ये मैंने hair बना दिया upper hair, ये आपका middle hair है, ये आपका bottom hair है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो अपर हेयर के रिगार्डिंग आपको बॉटम वाली रीडिंग मिलती है, आपको बॉटम वाली रीडिंग मिलेगी है ना, और मिडिल वाली से तो आपको मिल ही रही है ना मिडिल वाली रीडिंग, ठीक है। और ये वाली जो है ये आपको यहां पर आगे वाली रीडिंग मिलेगी, ठीक है। इस तरह से आपको मिलता है, यानी कि ये अपर हेयर की रीडिंग आपकी जो है नीचे मिलेगी और लोअर हेयर की जो रीडिंग है वो आपको अपर वाली मिलती है, ठीक है। इनको मैं यहां पर बोल देता हूं S1, इसको बोलूं S2, इसको बोलूं S3, ठीक है। आपको निकालनी है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की और साथ के साथ ही जहां पर आपने स्टाफ रखा हुआ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इसको बोल देता हूं डी। तो मुझे यहां पर बड़े अच्छे तरीके से पता है कि डिस्टेंस निकालने के लिए जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है डेट इज के एस प्लस सी, जहां पर के की वैल्यू आपकी होती है 100 और सी की वैल्यू होती है 0। ऐसा क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहां पर आपको दे रखा है कि आपने जो लेंस यूज किया है डेट इज द एनालिटिक लेंस। एनालिटिक लेंस के केस में आपका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट वो आप लोगों का बन जाता है 100 और जो एडिटिव कांस्टेंट है वो आप लोगों का बन जाता है 0। तो यहां पर आप लोगों को डायरेक्टली इसने बोला हुआ है कि डी बराबर के एस प्लस सी आप लोग फॉर्मूला लगाएं, डिस्टेंस आप लोग निकालें और ये जो एस की वैल्यू डेट इज द स्टाफ रीडिंग जो कि आपको यहां से देखने को मिल जाएगी। देखो इसने कह दिया कि सर दो रीडिंग है, एक है 1.4 मीटर एक है 2.9 मीटर है ना। तो यानी कि यहां पर देखो ये जो S की वैल्यू रहेगी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2.9 माइनस 1.4, ये S की वैल्यू। देखो ये वाली, ये जो डिफरेंस है ना, यहां से ये S3 की रीडिंग है, यहां से ये S1 की रीडिंग है ना। तो ये S3 की रीडिंग में से S1 की रीडिंग घटाऊंगा तो ये आपको ये डिफरेंस मिल जाएगा। इसको कहता हूं मैं यहां पर स्टाफ इंटरसेप्ट। क्या बोलता हूं? स्टाफ इंटरसेप्ट। स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू आप लोगों को यहां पर दे रखी है, डेट इज गिवन एज S इक्वल्स टू 1.5। ये आ गया 1.5 बिल्कुल। तो यहां पर बस आपको पुट करना है d बराबर 100 मल्टीप्लाई बाई 1.5 प्लस 0। तो यहां पर आपकी सारी की सारी डिस्टेंस आप लोगों ने यहां पर कैलकुलेट कर पाओगे। तो d बराबर 150 मीटर वुड बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पर हम लोग लगा देंगे कि कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारी किसमें निकल के आ रही है, 150 निकल के आ रही है। किसमें निकल के आ रही है? मीटर में निकल के आ रही है ना, किसमें निकल के आ रही है? मीटर में निकल के आ रही है। क्लियर है? बिल्कुल। इस सवाल को हम लोग यहां पर चेंज करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला रेशियो बताना है आपको फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव से लेके आपको स्टीरियो इंटरवल का। देखो फोकल लेंथ इसको मैं यहां पर डिनोट करता हूं एफ से और स्टीरियो इंटरवल देखो ये आपकी है ना स्टीरियो है, स्टीरियो डायफ्राम होता है आपका। देखो एक तो आपका नॉर्मल डायफ्राम रहता है इस तरह का जो कि आपको थियोडोलाइट में देखने को मिलेगा। मैंने बताया कि थियोडोलाइट से टैक्योमीटर में जब आप अपडेट करते हैं थियोडोलाइट को, जब टैक्योमीटर में अपडेट करते हैं तो उसमें अपडेशन में सिर्फ इतना करना होता है कि थियोडोलाइट के अंदर ये जो डायफ्राम है इस डायफ्राम को आप लोगों ने थोड़ा सा मॉडिफाइड करके तीन हॉरिजॉन्टल हेयर लगा दिए। क्या कर दिए? तीन हॉरिजॉन्टल हेयर लगा दिए। इस डायफ्राम को आप लोग स्टीरियो डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीरियो डायफ्राम। तो स्टीरियो डायफ्राम के अंदर ये जो आपको दिख रहा है एक तो ऊपर वाला हेयर और एक बिल्कुल नीचे नीचे वाला हॉरिजॉन्टल हेयर, इनके बीच का जो डिफरेंस है ये आपको क्या निकाल के देगा? ये आपको इमेज बनाएगा। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये आपका टैक्योमीटर है ना, टैक्योमीटर है, इससे रीडिंग लोगे तो रीडिंग लोगे तो तीन रीडिंग आएगी, एक ये रीडिंग, एक ये रीडिंग, एक ये रीडिंग, तीनों हेयर से तीन रीडिंग, तीन हेयर से तीन रीडिंग है ना, ठीक है। तो यहां पर ये जो रीडिंग निकल के आई ये इससे निकल के आई, इससे देखा है आपने, जब आप देख रहे तो इससे देखा है, इसी को आप लोग आई से डिनोट करता हूं मैं, इसी को हम लोग यहां पर स्टीरियो इंटरवल बोलते हैं। इसका जो यहां पर आप लोगों को यहां पर रेशियो के बारे में बात कर रहा, फोकल लेंथ टू द स्टीरियो इंटरवल, इसको मैं यहां पर डिनोट करता हूं किससे? k से। तो d बराबर ks प्लस c के अंदर जो k की वैल्यू रहती है, d बराबर ks प्लस c के अंदर जो k की वैल्यू रहती है वो यहां पर इससे निकल के आती है। और ये वैल्यू आप जनरली कितना लेते हैं? जनरली हम लोग यहां पर 100 लेके चलते हैं, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल।
तो इतना डाटा हमको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से पता हो गया है। जो के जो है आप लोगों का एक कौन सा कॉन्स्टेंट है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं कि रेशियो जो है ये इसको क्या कहते हैं, के को क्या बोलते हैं। तो के आप लोगों को यहाँ पर क्या दिख रहा है, इस पूरी इक्वेशन में आपको मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है, तो इस कॉन्स्टेंट का नाम भी मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट या मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप लोग यहाँ पर इसको बोल रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे। बिल्कुल, कैलकुलेट करो एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट। अगर फोकल लेंथ जो है ऑब्जेक्टिव ग्लास की 250 mm हो, स्टेरिया इंटरसेप्ट आप लोगों को 2 mm दे रखा हो, डिस्टेंस जो है आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है 190 mm। देखो सब कुछ दे रखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ इसने। देखो क्या क्या दे रखा है, देखो ये आपका इंस्ट्रूमेंट, देखो मैं बताता हूं आपको इंस्ट्रूमेंट को, मैं यहाँ पर अब अच्छे से बना देता हूं, है ना। ठीक है, यहां से आप तीन रीडिंग ले रहे हो, है ना, तीन रीडिंग ले रहे हो। ठीक है, तो तीनों रीडिंग के लिए मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना देता हूँ, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो तो यहां पर देखो ये आपका पर्टिकुलर डायग्राम मैंने आपको बना दिया है, जिसमें तीन रीडिंग आपको दिख रही है, ये S1 रीडिंग है, ये S2 रीडिंग है, ये आपकी S3 रीडिंग है। अब देखो इसमें ना सारी चीजें दे देता हूं। ठीक है, ये तो जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि ये जो आपको अपर हॉरिजॉन्टल और लोअर हॉरिजॉन्टल हेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं आप स्टीरियो इंटरवल आई। यहां पर देखो, अब ये देखो इसका जो बिल्कुल मिड है ना, ये जो मिड सेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि सेंट्रल सेंटर जहां पर है आपका जो पूरा थ्योडोलाइट है, लेट मी से थ्योडोलाइट क्या, सॉरी टैक्यूमीटर जो है, इस टैक्यूमीटर का जो आपको सेंटर देखने को मिलेगा, यहां से इसकी ऑब्जेक्ट ग्लास की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं आप लोग डी, इसको बोलते हैं आप डी। ये आपका फोकल पॉइंट है, ये आपका फोकल पॉइंट है, तो ये आपका मास यहां पर, आप यहां पर इसको बना देंगे कि सर दिस इज द फोकल पॉइंट, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको एफ की वैल्यू, इसकी वैल्यू लिख देता हूं एफ, है ना। अब देखो आपको यहां पर क्या बताना है, एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू बतानी है। देखो मैंने आपको बताया कि जो मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट रहता है K, K की वैल्यू होती है F अपॉन I, F यहाँ पर फोकल लेंथ है, I आप लोगों का यहाँ पर क्या है, स्टेडिया, आप लोग यहाँ पर देख लेंगे स्टेडिया इंटरसेप्ट बोल दो आप लोग, या स्टेडिया इंटरवल बोल दो, है ना। देखो क्या दे रखा है, देखो स्टेडिया इंटरवल I की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 mm। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। यहाँ पर फोकल लेंथ आप लोगों को दे रखी है कितनी, फोकल लेंथ दे रखी है 250 mm। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास, ये भी आपको दे रखा है, यानी कि D की वैल्यू भी आप लोगों को दे रखी है यहाँ पर 190 mm। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सारी चीजें दे रखी है। तो K बराबर हो गया F upon I, F की वैल्यू आपकी 250 और यहाँ पर I की वैल्यू 2, दोनों mm में कट जाएंगे, कितना आ जाएगा आप लोगों को यहाँ पर 125। ठीक है, वहीं पे अगर यदि मैं एडिटिव कॉन्स्टेंट की बात करूं, एडिटिव कॉन्स्टेंट देखो D बराबर Ks plus C, भूलना नहीं है, देखो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से कितने सवाल बन गए, D बराबर Ks plus C, ये जो C दिख रहा है इसको एडिटिव कॉन्स्टेंट बोलते हैं आप लोग। C की वैल्यू रहती है F प्लस D, F प्लस D, F की वैल्यू कितनी 250 और प्लस D की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 190 दे रखी है क्या, बिल्कुल दे रखी है ना। तो यहां पर ये वैल्यू आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगी, दैट इज अ 440, दैट इज अ 440। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा है एडिटिव मल्टीप्लाइंग, तो आप लोगों का यहां पर आंसर हो गया 440 और 125, दैट मीन्स डी ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। तो अब तक सारे के सारे हमने यहां पर देख लिए, एक एक करते हुए हमने यहां पर क्वेश्चन को करते हुए जा रहे हैं। आपसे पूछ रहा है द लीस्ट काउंट ऑफ ए थ्योडोलाइट इज, थ्योडोलाइट का सर लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट वो वैल्यू रहती है जो मिनिमम से मिनिमम रीडिंग आप लोग किसी पर्टिकुलर जगह पे पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो आप लोगों ने स्केल यूज किया होगा ना, जिसके ऊपर आप लोग यहां पर जनरली लाइन खींचने के काम आता है ना, बिल्कुल उस स्केल पे देखोगे तो मिनिमम से मिनिमम रीडिंग आप पढ़ सकते हो 1 mm, भाई उससे कम की रीडिंग आप नहीं पढ़ सकते, 1 mm से कम रीडिंग, बिल्कुल। तो उस पर्टिकुलर स्केल के लिए आपका लीस्ट काउंट हो जाएगा आप लोगों का यहां पर 1 mm। ऐसे ही सेम थ्योडोलाइट के अंदर छोटे से छोटी रीडिंग जो मैं पढ़ सकता हूं उसको कह देता हूं मैं यहां पर आपको लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट आप लोग चेंज करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहां पर एक्स्ट्रा स्केल भी लगा देते हैं जिसको आप वर्नियर स्केल का नाम दे देते हैं। ठीक है, वर्नियर स्केल का क्या काम है, लीस्ट काउंट को आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा और ज्यादा माइक्रो लेवल तक लेके चले जाना। यानी कि पहले अगर जैसे मैं बात करूं तो अगर मेरे पास घड़ी में सिर्फ एक सुई होती तो मैं घंटे की सुई आप लोग पढ़ पाते हैं। जब उसमें आपने एक और एक्स्ट्रा सुई लगाई अब आप मिनट भी पढ़ पा रहे हो, आपने एक और एक्स्ट्रा सुई लगाई तो अब आप लोग यहां पर सेकंड भी पढ़ पा रहे हो और आपने सेकंड के भी फ्रैक्शंस आप लोग यहां पर पढ़ पाते हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है कितनी स्केल्स आप लोग यहां पर लगा रहे हो। तो वर्नियर स्केल का काम ये है, एक्स्ट्रा स्केल लगा देते हैं हम लोग ताकि हम लोग यहां पर क्या करें उसके बिल्कुल फ्रैक्शंस वाले पार्ट्स को भी हम लोग यहां पर अच्छे से पढ़ सकें। तो अभी आपको याद रखना है कि देखो जो नॉर्मल थ्योडोलाइट रहता है ना, जो ट्रांजिट थ्योडोलाइट आपको देखने को मिलेगा जनरली, ट्रांजिट या नॉन ट्रांजिट भी आप लोग बात करें, तो उसका लीस्ट काउंट जो आपको देखने को मिलेगा, लीस्ट काउंट जो कि हम देखो सबसे पॉपुलरली जो पर्टिकुलर थ्योडोलाइट यूज आता है, दैट इज द ट्रांजिट थ्योडोलाइट, है ना, ट्रांजिट थ्योडोलाइट, इसका जो आपको लीस्ट काउंट देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका 20 सेकेंड।
यार ये देखो, मैंने आपको बताया था कि आपकी रीडिंग मार्क रहती है, रीडिंग मार्क रहती है, जैसे आपको ये इस तरह से आपको यहां पर रीडिंग देखने को मिलेगी, यहां पर जीरो लिखा हुआ है, यहां पर 180 लिखा हुआ है, इस तरह से आपको रीडिंग देखने को मिलेगी। तो उसमें जो मिनिमम से मिनिमम रीडिंग है ना, जो हल्का सा आप लोग घुमाओ उसको, आप हल्का सा टेलीस्कोप को घुमाओ और आपको यहां पर रीडिंग के अंदर जो डेविएशन देखने को मिलेगा, वो डेविएशन आप जो नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर, वो कर सकते हैं मिनिमम से मिनिमम 20 सेकंड का आप लोग यहां पर डिफरेंस आप लोग पढ़ पाएंगे अच्छे से। अच्छा देखो, एक और थ्योडोलाइट आता है जिसको बोलते हैं आप लोग प्रिसाइज ऑप्टिकल थ्योडोलाइट, है ना, प्रिसाइज ऑप्टिकल थ्योडोलाइट। अब देखो ये जो है आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है ना, यहां पर नाम देता हूं एक बार रुको, थ्योडोलाइट है ना, थ्योडोलाइट, हाँ, ये आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर आप लोग एक सेकंड तक का आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं ये, ठीक है। तो इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आप लोग क्या करते हैं, इसको यहां पर बनाते हैं, और इसका जो आप लोग यहां पर लीस्ट काउंट देखोगे तो इसका लीस्ट काउंट तो वेरी वेरी लो है ना। तो जो बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट लेके आने होते हैं, बहुत ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट आपको यहां पर जनरेट करने होते हैं, उस केस में आप लोग यहां पर प्रिसाइज ऑप्टिकल थ्योडोलाइट को आप लोग यहां पर यूज करते हैं। और ट्रांजिट थ्योडोलाइट तो आप लोग जनरली आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में हम लोग यहां पर वैसे नहीं पढ़ते, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए ना, ठीक है। क्या पता कभी आप लोगों से अगली बार सवाल पूछ ले प्रिसाइज ऑप्टिकल थ्योडोलाइट के बारे में, तो आपको पता हो, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहां पर इसके लिए करेक्ट आंसर लगा देंगे, दैट इज द 22nd, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल बढ़ते हैं। कैलकुलेट करना है आपको इंटरसेक्ट एंगल डिग्री के अंदर फॉर द एनालिटिक टेलीस्कोप। एनालिटिक टेलीस्कोप कहने का मतलब यह है कि इसके कहने का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि K की वैल्यू सर 100 है और C की वैल्यू आपकी 0 है, बस ये कहता है ये, और कुछ नहीं कहता ये, है ना। अब आपको इंटरसेक्ट एंगल आप लोगों को निकालना है। नाउ व्हाट इज द इंटरसेक्ट एंगल, देखो इंटरसेक्ट एंगल क्या होता है, इंटरसेक्ट एंगल आप लोगों को, अब देखो मैं ना वायर बना के नहीं बता रहा हूं, है ना, देखो उसके अंदर अब दिक्कत आती है, मैं यहां से सिर्फ तीन रेडिएशन दिखा देता हूं सिंपली, ठीक है, तीन रेडिएशन दिखा रहा हूं सिंपली, है ना, जितना सिंपल डायग्राम से मेरा काम बन जाता है उतना सिंपल डायग्राम मैं बना देता हूं, मैं अपने अकॉर्डिंगली यहां पर डायग्राम बनाता हूं आप लोगों को, ठीक है। ये टैक्योमीटर है, टैक्योमीटर में तीन वायर है, तीनों वायर से आप तीन रीडिंग देखोगे, तीन रीडिंग जो आप लोग पढ़ोगे अपर लोअर, अब मैंने एक ही जगह से बना दिया ये, क्योंकि मैं यहां पर बचना चाह रहा हूं कि एक्स्ट्रा डायग्राम ना बनाना पड़े, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। देखो तो आप लोग ये जो एंगल जनरेट करते हैं ना, इस एंगल को आप लोग कहते हैं यहां पर इंटरसेक्ट एंगल। तो लेट मी से ये एंगल मैं यहां पर मान लेता हूं अल्फा बीटा गामा थीटा, जो मानना है मान लो, लेट मी से अल्फा बोल दिया मैंने, ठीक है, बिल्कुल। अब इंटरसेक्शन आपका कितना हुआ, इतना, इसको क्या बोलते हैं हम यहां पर स्टाफ इंटरसेप्ट, यहां, ठीक है। तो यहां पर जो इंटरसेक्ट एंगल है इसका मतलब है ये अल्फा की वैल्यू को आपको यहां पर कैलकुलेट करना है, यानी एक बार टेलिस आप लोग टैक्योमीटर में चेक करोगे, तो टैक्योमीटर में देखूंगा तो जब देखता हूं ना अपर और नीचे वाले लेयर से, अपर और नीचे वाले वायर से, सॉरी, ठीक है, अपर और नीचे वाले हॉरिजॉन्टल वायर के थ्रू मैं यहां पर जब रीडिंग रिकॉर्ड करता हूं तो एक बार में कितना एंगल जनरेट कराती है, एंगल कितना जनरेट कराती है, एंगल तो फिक्स रहने वाला है, तो इसको बोलते हैं हम लोग यहां पर क्या, इंटरसेक्ट एंगल। तो दिस अल्फा इज नोन एज अवर इंटरसेक्ट एंगल, इंटरसेक्ट एंगल। और ये वैल्यू आप लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको कैलकुलेटर नहीं दिया रहता तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। निकालना तो बहुत आसान काम है, देखो कैसे निकालेंगे। देखो चूंकि आप लोगों को यहां पर एक चीज बड़े अच्छे से पता है कि इसको बोलते हैं आप लोग डी वैल्यू, है ना, और एक आप लोगों को रिलेशन पता है कि डी बराबर होता है के एस प्लस सी, ठीक है, के की वैल्यू 100 पुट कर करा दो तो डी के बराबर आपकी आ जाएगी 100 इनटू एस, और ये आपकी सी की वैल्यू आप 0 हो जाती है, के की वैल्यू आप लोग यहां पर 100 पुट कर देते हैं, तो डी बराबर 100 एस, पहली इक्वेशन तो आप लोग यहां पर बन गई, है ना। चलो ये अल्फा निकालना है आप लोगों को, बिल्कुल ये अल्फा है तो इसको मैं यहां पर अल्फा बाई 2 कह दूं, बिल्कुल अल्फा बाई 2 कह दूं, है ना। तो आपको अगर मैं बोलूं कि सर टेन अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या रहेगी बताओ, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, देखो ये क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, है ना। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो टेन अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो ये एस है, ये एस है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस वैल्यू इज द एस बाई 2, बिल्कुल। तो टेन अल्फा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी, टेन लगा दो एस बाई 2 और डिवाइड बाई कर दोगे आप लोग डी, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया, ठीक है, तो ये आपकी टेन की वैल्यू दे देगा, टेन बराबर कितना हो गया एस डिवाइड बाई 2d, डी की वैल्यू आपको यहां से पता है, बिल्कुल। तो यहां से मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो tan alpha by 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, tan alpha by 2 की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की s डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय, नहीं s डिवाइड बाय 2 ऐसे लिख देता है ना, s डिवाइड बाय 2
इंटू यहां पर आप लोग का 100 इंटू एस, एस से एस कैंसिल, बराबर बन जाता है 1/200। ठीक है, अच्छा अगर tan इनवर्स की बात करूं तो tan इनवर्स, अगर यहां पर tan इनवर्स कर देता हूं इसको, tan इनवर्स 1/200 की बात करूं तो वैल्यू आ जाएगी आपकी अल्फा बाई टू। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन विद tan इनवर्स 1/200। ये वैल्यू आप लोग यहां पर करेक्ट आंसर आप लोग यहां पर निकाल के दे देगी। चलो मैं इसको कैलकुलेट करके आप लोगों को यहां पर करेक्ट आंसर दे देता हूं। देखो तो देखो tan इनवर्स 1/200 है ना, चलो साहब तो वैल्यू आ जाएगी आपकी यहां पर 0.286, मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 के साथ तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी यहां पर 0.573। वैसे 5729 आ रहा है ना, 0.5729 आ रहा है, लेकिन 573 मैंने यहां पर कर दिया क्योंकि ऑप्शन में भी ये अवेलेबल है ना। ये वैल्यू आप लोगों को भूलना नहीं है ना, वैल्यू नहीं भूलना है, वैल्यू आपको याद कर लेनी, क्योंकि एसएससी अगर यदि आप पेपर देने जा रहे हो तो वहां पर आपको कैलकुलेटर नहीं देगा, इस क्वेश्चन में तो नहीं देगा, इस तरह से तो नहीं देगा, है ना। तो आप लोग अगर यदि यहाँ पर याद करना चाहते हैं तो उसको पर्टिकुलर सवाल को आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं ना। ये डाटा आप लोग याद करना, इंटरसेक्ट एंगल कितना रहता है 0.573 का रहता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कैलकुलेट करना है आप लोग को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट इफ द स्टाफ इंटरसेप्ट इज 2.5 मीटर। पहले देख लो आप लोग क्या क्या वैल्यू दे रखी है। देखो एस की वैल्यू दे रखी है स्टाफ इंटरसेप्ट, दैट इज एस, एस की वैल्यू दे रखी है 2.5 मीटर। ठीक है, बिल्कुल माइक्रोमीटर रीडिंग जो है किसी पर्टिकुलर ड्रम ऑफ अ डायफ्राम पे, ठीक है, ये दे रखी है आपको 3.2 और माइक्रोमीटर स्क्रू के अंदर आपको 100 थ्रेड दे रखे हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, चलो अभी हम यहां पर इसको भी बताने वाले हैं ये किस तरह से निकाला है। क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ के बता देता हूं। फोकल लेंथ जो है आप लोगों को दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है आप लोगों को यहां पर कितनी 200 mm। ठीक है, और डिस्टेंस जो है इंस्ट्रूमेंट एक्सिस से सेंटर की दे रखी है, दैट इज डी की वैल्यू आपको दे रखी है 180 mm। ठीक है, अब सर आप लोगों को जो समझ में नहीं आएगा वो समझ में सिर्फ आपको आई की वैल्यू नहीं आ रही होगी, बाकी सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना, कि आई की वैल्यू किस तरह से निकाले, बस यही आप लोगों के सामने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से यहां पर कि जो माइक्रोमीटर रीडिंग है ड्रम ऑफ अ डायफ्राम के ऊपर वो दे रखे 3.2 और माइक्रोमीटर स्क्रू के ऊपर आपके 100 थ्रेड है 1 सेंटीमीटर में। अच्छा देखो, देखो ये आप लोगों ने कह दिया कि सर इतने सारे थ्रेड है, इस तरह से थ्रेड पे मार्किंग, अगर मैं आप लोगों को, अब देखो जनरल समझा रहा हूं, ये मत समझना सर ये कैसे निकल के आया, आपको समझा रहा हूं समझ लेना पहले। ठीक है, देखो अगर मैं कह दूं 1 सेंटीमीटर के अंदर 100 मार्किंग दे रखी, 100 थ्रेड दे रखे हैं, 100 थ्रेड दे रखे, यानी कि यहां पर हर एक थ्रेड के बीच की जो पिचिंग दिख रही है आपको, ये छोटी सी पिच बोलते हैं ना इसको, बिल्कुल, तो पिच की वैल्यू आप लोगों कितनी बनी, पिच बनी आप लोगों की 1/100 की, 1 सेंटीमीटर बाई 100 थ्रेड, 1 सेंटीमीटर में 100 थ्रेड। इसको कह दूंगा कि सर एक थ्रेड की डिस्टेंस है 0.01, एक थ्रेड की डिस्टेंस है 0.01 सेंटीमीटर, या इसी को आप लोग एमएम में भी अगर आप लिखना चाहें तो एमएम भी आप लोग यहां पर बेसिकली इसको ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, और यहां पर देखो पिच है आप लोग 0.01 सेंटीमीटर इस थ्रेड के बीच की, यानी ऐसे इस तरह से काफी सारे थ्रेड्स बने हुए हैं वहां पर, है ना, और ये जो थ्रेड्स है थ्रेड्स की आप लोगों को पिच दिख रही है 0.01। अब यहां पर आपको दे रखा है कि सर जो रीडिंग है ना माइक्रोमीटर की वो दे रखी 3.2। देखो एक पिच, देखो यहां पर याद रखना ये एक थ्रेड की डिस्टेंस कितनी है 0.01 सेंटीमीटर, रीडिंग कितनी है 3.2, तो 3.2 के लिए रीडिंग कितनी आई, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3.2 आई के लिए वैल्यू दे रखी 3.2 रीडिंग। देखो पढ़ो इसको, जो माइक्रोमीटर की रीडिंग दे रखी है ड्रम ऑफ द डायफ्राम पर 3.2 है, और माइक्रोमीटर के ऊपर जो थ्रेड दे रखे हैं वो 100 थ्रेड दे रखे हैं 1 सेंटीमीटर के ऊपर, 3.2 रीडिंग है, एक थ्रेड की अगर मैं वैल्यू देखूं तो एक थ्रेड जो है 0.01 सेंटीमीटर को दिखाता है, तो 3.2 थ्रेड कितनी रीडिंग दिखाएंगे बताओ, तो 3.2 आप लोगों को दिखाएंगे 3.2 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, दैट मींस ये वैल्यू आप लोगों की यहां पर आप लोग जो निकालेंगे 0.32 निकल जाएगी, या फिर आप लोग यहां पर 0.32 आप लोगों के यहां पर निकल जाएगी एमएम के अंदर, 0.32 mm सेंटीमीटर में करोगे तो 0.032 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 0.032 सेंटीमीटर, 0.32 mm कर दिया मैंने, एमएम में ले लिया डायरेक्ट आंसर, ये मैं सोचने सर कैसे कर दिया, सेंटीमीटर एमएम पूरा देख लेना आप लोग, है ना। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आई की 0.32 mm, इस तरह से आपको निकालना है। तो आई की वैल्यू हो गई 0.32 mm,
क्योंकि देखो ये एमएम में चल रहा है, ये एमएम में चल रहा है, ये एमएम में चल रहा है, बस ये अकेला मीटर में चल रहा है ना, जो कि चलता भी है ऑब्वियस बात है। अब निकालिए वैल्यू, आप लोग किसके निकालिए, डी निकालना है ना, हाँ डी निकालना है, कैलकुलेट करनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बिल्कुल। डी बराबर होता है आपका के एस प्लस सी, ठीक है। तो देखो निकाल लो, सबसे पहले यहां से निकाल लेता हूं, के की वैल्यू कितनी होती है, एफ अपॉन आई, के की वैल्यू एफ अपॉन आई, एफ की वैल्यू आपको कितनी देखिए 200, ये एमएम में दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई की वैल्यू दे रखी है 0.32, ये भी एमएम में दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप लोग यहां पर क्या करेंगे, इसको आप लोग यहां पर अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका आंसर जो भी निकल गया है वो आप लोग यहां पर इसको पुट कर देंगे, तो 200 डिवाइड बाय 0.32 है ना, 625, ठीक है। वहीं पर अगर मैं निकालू वैल्यू सी की, तो सी बराबर हो जाएगा एफ प्लस डी, तो वैल्यू आप लोगों की एफ की दे रखी 200 और डी की वैल्यू दे रखी आपको 180, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 380। पुट करें यहां पर, तो के की वैल्यू तो आपको दे रखी 625, मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग एस से, एस की वैल्यू दे रखी 2.5 प्लस सी की वैल्यू दे रखी 380, ठीक है। अब ये जो 380 है ये आपको देखा, देखो अब याद रखना ये 380 किस में चल रहा है, ये चल रहा है एमएम में, ये चल रहा है आपका मीटर में, और इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना, तो डिवाइड हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इस एमएम को आप लोग यहां पर मीटर के अंदर चेंज करके लिखोगे, दैट मींस 0.38 लिखूंगा यहां पर, 0.38 यहां पर भी क्या लिखूंगा, 0.38, ये एमएम के अंदर है ना, बराबर कर देता हूं 0.38 मीटर, क्लियर है, बिल्कुल। तो ये वैल्यू मैं यहां पर सॉल्व कर लेता हूं, तो 625 मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहां पर 2.5 के साथ, प्लस कर देंगे हम लोग 0.38, तो जो वैल्यू निकल के आ रही है वो वैल्यू निकल के आएगी डी की 1562.88। या तो देखो मैं बता रहा हूं आप लोगों को करना क्या है, एक्चुअली मैं एसएससी में कैसे करोगे सवाल को, अगर सर करना पड़ गया, अगर सर करना है तो इतनी कैलकुलेशन तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना, बेसिकली करना है। देखो या तो सब लोग निकाल ही लोगे 0.38 और ये 625 है ना। अब आपको एक चीज पता है, एक चीज आप लोग यहां पर अच्छे से देख लेना कि वैल्यू जो है ना यहां पर जो सारी की सारी बड़ी बड़ी दे रखी है, ठीक है। और आप लोगों को यहां पर दिक्कत भी आएगी तो आप प्रॉपर ना करते हुए आप लोग थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके थोड़ी बहुत छोड़ दो, या तो थोड़ी बहुत करके थोड़ी बहुत छोड़ दो, जैसे ये जोड़ना वाड़ना, सी की वैल्यू आप लोग निकालो मत, सी वी को निकालो मत, तो सी वाले मैं वैसे टाइम लग नहीं रहा, पर सी वाला टाइम आप लोग रहना, तो सिर्फ के एस की कैलकुलेशन कर लिया करो, के एस के आसपास का रिजल्ट आता है। ढाई गुना करना है आपको 625 का, लगभग लगभग आप लोग देखो तो 625 का अगर आप दो गुना करोगे और ढाई गुना करके देखोगे तो आपको अंदाजन लग जाएगा कि 1500 के आसपास की वैल्यू आएगी, तो 1500 के आसपास की वैल्यू पे आप लोग टिक कर देना, सफिशियंट डिस्टेंस के बीच में। सिर्फ ये याद रखना है, देखो के की वैल्यू आपने 625 निकाली, के आपको दिख रहा है, एस आपको दिख रहा है, के और एस देखना है आप लोगों को, आपको देखना है सर ये वैल्यू आई 625 और 625 का आपको करना है ढाई गुना, ठीक है। तो दो गुना करने में कोई दिक्कत नहीं आती, फिर आप लोग आधा गुना और ऐड कर दो, तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर तक पहुंच जाओगे, और अप्रोक्सीमेट आंसर पर टिक कर देना, ऐसा नहीं पूरा कैलकुलेट करने बैठोगे तो एसएससी बहुत टाइम खींच जाएगा आप लोगों का, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे, व्हिच वन इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टाफ फॉर एनालिटिक टेलीस्कोप, एस इज द स्टाफ एंडिंग, कैन सी आर द मल्टीप्लाइंग एंड एडिटिंग कांस्टेंट, ठीक है, बताओ जरा क्या दे रखा है। देखो जहां पर, देखो जहां पर आप लोगों को दिख रहा है एनालिटिक टेलीस्कोप, तो आपको मैंने बताया हुआ एनालिटिक टेलीस्कोप में क्या करना है, d बराबर करना है ks + c और c की वैल्यू कर दो 0, k की वैल्यू करो 100, तो d बराबर कितना हो जाएगा 100s, 100s वुड बी द करेक्ट आंसर, d वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 100s d वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टाफ, इफ स्टाफ रीडिंग आपको ये दे रखी है। देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि तीन रीडिंग आपको दिखाएगा यहां पर, जब आप इंस्ट्रूमेंट रखोगे, इंस्ट्रूमेंट से आप लोग देखोगे तो इंस्ट्रूमेंट से तीन रीडिंग देगा आपको, है ना, पहले S1, दूसरी S2, तीसरी S3। आपको यहां पर पहली और आखिरी से मतलब होता है, बीच वाली से मतलब नहीं होता। S3 माइनस S1 करूंगा तो ये रीडिंग आएगी, है ना, ये रीडिंग क्या S1 रीडिंग है, यहां से यहां तक S1 रीडिंग, यहां से यहां तक S2 रीडिंग, यहां से यहां तक S3 रीडिंग, आपको निकालना है इन अपर और लोअर वाले के बीच की रीडिंग। तो ये रीडिंग आप लोगों को कितनी दिखा रहा है, देखो तीन रीडिंग दे रखी, एक दे रखी 1.56, एक दे रखी 2.05, एक दे रखी 2.56। अच्छा तो स्टाफ इंटरसेप्ट कितना हो गया, स्टाफ इंटरसेप्ट हो गया 2.56 में से माइनस कर दो 1.56, बीच वाली रीडिंग का कोई काम नहीं है, बीच वाली रीडिंग का कोई काम नहीं है ना, कितना है 1। आपको निकालना क्या, मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट 100 दे रखा है और एडिटिव कॉन्स्टेंट 10 दे रखा है इस बार। अरे देख के बैक मत जाना, पता चले इतना सवाल पड़ा डिस्टेंस कैलकुलेट करा है,
गलत भी निकाल लोगे। डी बराबर होता है के एस प्लस सी, है ना, और इसने के की वैल्यू दे रखी है 100, एस की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू खुद ने 10 दे रखी है। अगर इसने खुद ने वैल्यू दे रखी है फिर अपन कुछ नहीं कर सकते, ये वैल्यू आप लोगों की 1110 मीटर आप लोगों का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये मीटर में एडिटिव कांस्टेंट आपको 10 ये मीटर में दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डिस्टेंस कितनी आएगी, 1110 आ जाएगी। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ सर्विंग डिस्टेंस एंड एलिवेशन इन्वॉल्व्स मेजरिंग ऑफ वर्टिकल एंगल टू द ग्रेजुएशन ऑन स्टाफ यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। आप लोगों से क्या बोल रहा है कि कौन सा मेथड है सर्वेइंग का, सर्वेइंग डिस्टेंस और एलिवेशन का, जिसके अंदर आप लोग यहां पर क्या करते हैं वर्टिकल एंगल आप लोग निकालते हैं टू द ग्रेजुएशन ऑन स्टाफ यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये आप लोगों को पूछा है, बताओ जरा वर्टिकल एंगल किस। अच्छा देखो सीधी सीधी बात आप लोगों से अगर यहां पर पूछो तो सवाल के पहले आप लोगों को फर्स्ट हाफ के अंदर ही आधी चीजें दे दी। क्या दे दी, देखो इसने पूछा कि सर आप लोगों को क्या निकालना है, आप लोगों सर्विंग डिस्टेंस निकालनी और एलिवेशन निकालना है। देखो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको बोले वो थ्योडोलाइट के बारे में, देखो अगर वो बोलेगा थ्योडोलाइट के बारे में तो आपसे बोलेगा हॉरिजॉन्टल एंगल सर कैलकुलेट करो और वर्टिकल एंगल कैलकुलेट करो, ठीक है बिल्कुल। अगर वो बोलेगा आपसे टैक्यूमीटर के बारे में तो टैक्यूमीटर का काम क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजरमेंट करो प्लस वर्टिकल डिस्टेंस का मेजरमेंट करो। देखो बताओ सर्वेइंग डिस्टेंस यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्लस वर्टिकल डिस्टेंस के मेजरमेंट करने के लिए कौन से डिवाइस को काम में लेते, बताओ जरा कौन सा मेथड काम में आता है, टैक्योमीटर काम में आता है। इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को टैक्योमीटर कहते हैं और जो करते हैं ना हम लोग इसको हम लोग या तो टेलीमेट्री बोलते हैं या फिर आप लोग टैकीमेट्री बोलते हैं या फिर आप लोग टैक्योमेट्री बोलते हैं, है ना, तीन तीन नाम देख सकते हो आप लोग, टेलीमेट्री भी, टेलीमेट्री, टैकीमेट्री या टैक्योमेट्री, तीनों में से कोई भी नाम आप लोगों से पूछे तो घबराना नहीं है, एक ही बात है ना, ठीक है, तीनों में से कोई भी नाम पूछे तो एक ही बात आ जाती है आप लोग के, तो प्रिंसिपल कौन सा काम आता है, तो ये आपका टैक्योमेट्री प्रिंसिपल आप लोग काम आता है, जिसमें वर्टिकल एंगल्स आप लोग मेजरमेंट करते हैं। वर्टिकल एंगल ये तो क्या था, देखो क्या किया था, ये देखो वर्टिकल एंगल, दीज आर दी वर्टिकल एंगल्स, एस ये देखो ऐसे 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 ये वर्टिकल प्लेन के अंदर मूवमेंट करा रहा ना बिल्कुल, तो ये आप लोग यहाँ पर वर्टिकल एंगल्स को कैलकुलेट करते हैं और से डिस्टेंसेस वगैरह का कैलकुलेशन करते हैं, बस सिंप्लीफाइड तरीके में आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। ट्रायंगुलेशन क्या प्रोसेस है, ट्रायंगुलेशन जो है ये आपकी अलग प्रोसेस है, ट्रायंगुलेशन के अंदर क्या करते हैं पूरे एरिया को आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड करते हैं, क्योंकि ट्रायंगल जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना, तो पूरे एरिया को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड करना उसके बाद उस एरिया का सर्वे करना, दैट इज टर्म्ड एज ट्रायंगुलेशन। ट्रेवर्सिंग क्या कहलाती है, ट्रेवर्सिंग का मतलब है जब आप लोग कंपास से क्या करते हैं या थ्योडोलाइट से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक सीरीज है आप लोग इस तरह से करते हैं कि ए से लेके बी तक का मैंने सर्वे कर लिया, फिर बी से सी, सी से डी, इस तरह से, है ना, तो ये जो ट्रेवर्स बनता है एक सीरीज ऑफ लाइंस, इनको ट्रेवर्स बोलते हैं, एक सीरीज ऑफ लाइंस जिसके अंदर आप लोगों ने एंगल्स वगैरह का मेजरमेंट आप लोगों ने किया है, ये आपका कहलाता है ट्रेवर्सिंग, है ना, तो इसको ट्रेवर्स बोलते हैं ना, क्लोज ट्रेवर्स या ओपन ट्रेवर्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, सीरीज ऑफ लाइंस जिसके अंदर आप लोगों ने सर्वे किया है तो एक लाइन में किया है ना, जैसे रेलवे का सर्वे कर रहे हो तो ओपन ट्रेवर्सिंग में चलता चला जाएगा, है ना, किसी फॉरेस्ट का या बिल्डिंग का कर रहे हो तो क्लोज ट्रेवर्स में आप लोग सर्वे करते हैं, ठीक है, दैट्स इट, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल है, ट्रिगोनोमेट्री तो हमने वहां पढ़ी थी, ट्रिगोनोमेट्रिकल कुछ नहीं होता है ना, ट्रिगोनोमेट्री सर्वे जरूर होता है आप लोग का, है ना, ठीक है, जिसके अंदर ट्रिगोनोमेट्री आप लोग लेवलिंग, आप लोग यहाँ पर लेवलिंग के अंदर करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल लेवलिंग आप लोगों का जरूर एक शब्द है, वो क्या होता है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, इसी सेशन का जो हमारा जो सवाल रहेंगे ना आगे वाले उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग करके आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा मैं, अभी आगे सवाल आने वाला है उसी के अंदर यहाँ पर इसको क्लियर करेंगे, बढ़ते हैं आगे। व्हाइल यूजिंग थ्योडोलाइट हाउ टू चेंज द रीडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कल व्हाइल मेजरिंग एन हॉरिजॉन्टल एंगल। देखो हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए आप लोग देखो दो तरह से मेजरमेंट होते हैं, दो स्क्रूज लगे रहते हैं, आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ ये जानना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखो आप लोग सिर्फ ये समझो कि देखो ये आपका वर्टिकल सर्कल है, ये आपका थ्योडोलाइट है और नीचे असेंबली लगी हुई है ना, और यहां पर आपका जो है
हॉरिजॉन्टल प्लेट लगी हुई है ना, जहां पर लोअर और अपर दो प्लेट बोला था मैंने आप लोग, लोअर प्लेट अपर प्लेट। ये आपने अगर सेशन नहीं देखा तो प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने यहाँ पर आपको थ्योडोलाइट को डिटेल तरीके से समझाया हुआ है, वो वाला लेक्चर आप लोग जाके देख सकते हैं ना। फिलहाल सिंपलेस्ट वे में आप लोगों को बताता हूँ, टेलीस्कोप है, ये वर्टिकल सर्कल है। वर्टिकल सर्कल आप लोगों को वर्टिकल रीडिंग, वर्टिकल जो चेंज होता है ना एंगल में चेंज होता है, वर्टिकल प्लेन के अंदर जो एंगल चेंज करते हैं, वर्टिकल एंगल्स के अंदर जो भी रीडिंग चेंज होती है वो रिकॉर्ड करके रखता है वर्टिकल सर्कल, ठीक है। ये होता है आपको हॉरिजॉन्टल सर्कल। इस हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर आपकी दो प्लेट रहती है, जिसको आप लोग या तो लोअर प्लेट या अपर प्लेट बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर ना दो स्क्रू लगे रहते हैं, ठीक है। दो स्क्रू यहां पर ना दो स्क्रू देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहां पर मैं नाम लिख देता हूं, एक लिखा रहता है आप लोग का यहां पर अपर क्लैंप स्क्रू, एक लिखा रहता है आप लोग का यहां पर लोअर क्लैंप स्क्रू, ठीक है। दो स्क्रू रहते हैं। अब देखो, तो अब देखो हम यहां पर बात करते हैं दोनों स्क्रूज के काम के बारे में, किस तरह से ये अपने आप को ऑपरेट करते हैं। तो देखो, जब मैं यहां पर आपसे बात करूं कि अपर क्लैंप स्क्रू को, देखो दोनों के दोनों को ना आप लोग ऐसा तो है नहीं कि एक साथ ही आप लोग यहां पर लूज कर दोगे, आप लोगों को कुछ टाइट करके रखना पड़ता है, कुछ आप लोगों को लूज करके रखना पड़ता है ना। तो अब मैं यहां पर आगे का ऑपरेशन आप लोगों को यहां पर समझाता हूं। क्या होता है कि शुरुआत में जब आप लोगों के पास ये दोनों के दोनों जो अपर क्लैंप और लोअर क्लैंप दोनों के दोनों टाइट है प्रॉपर तरीके से, है ना, तो आपका टेलीस्कोप ना इस तरह से मूवमेंट नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर यदि यहां पर मूवमेंट की बात करूं तो दोनों डायरेक्शन के अंदर, सॉरी दोनों, चाहे आप इधर घूमो इधर घूमो, ना तो लेफ्ट स्विंग होगा ना राइट स्विंग होगा, ठीक है। किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन आप लोगों को यहां पर नहीं करते हुए यहां पर देखने को मिलेगा आपका टेलीस्कोप, यानी कि दोनों के दोनों आप लोगों ने टाइट कर दिए तो, ठीक है। क्योंकि जब घूमता है ना, जब टेलीस्कोप आपका घूमेगा, तो टेलीस्कोप जब घूमेगा ना, तो घूमने के लिए उसको यहां पर मोशन करने के लिए अंदर से प्लेट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो यहां पर आपको लोअर प्लेट है और अपर प्लेट है, ये जो हॉरिजॉन्टल आप लोगों को सर्कल दिख रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो प्लेट लगी हुई है, इस प्लेट के अबाउट ये पूरा पूरा आप लोगों को यहां पर रोटेट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। जब दोनों के दोनों फिक्स है तो कुछ नहीं मूवमेंट हो रहा है। अब बात करते हैं यहां पर मूवमेंट के बारे में। अगर मैं यहां पर मान लो नीचे वाले को टाइट रखता हूं, लोअर क्लैंप स्क्रू को आप लोगों ने टाइट कर दिया और अपर क्लैंप स्क्रू को आप लोगों ने लूज कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? तो देखो क्या होगा, ऊपर वाली जो प्लेट है ना वो फ्री हो जाएगी और नीचे वाली तो टाइट है, तो नीचे वाली यानी कि लोअर प्लेट के रेस्पेक्टिव में अपर वाली प्लेट आप लोगों की मूवमेंट कर देगी। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। तो यानी कि आप लोगों का यहां पर जो रीडिंग है, इस रीडिंग के अंदर आप लोगों को यहां पर चेंज यहां पर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जब अपर क्लैंप स्क्रू आपका लूज रहेगा, सीधी सीधी बात अगर मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊं तो यह है कि जब आप ऊपर वाले क्लैंप स्क्रू को आप लोग यहां पर चेंज करते हो तो आप लोगों की रीडिंग चेंज होती है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो यहां पर आप लोगों ने यहां पर पहले तो क्या कर दिया, टाइट कर दिया प्रॉपर तरीके से, जीरो डिग्री पर सेट कर दिया। अब यहां से जैसे मैं यहां पर ऊपर वाले स्क्रू को ढीला करके इसको ऐसे घुमाऊंगा ना टेलीस्कोप को, तो जितना घुमाऊंगा उतनी रीडिंग चेंज हो जाएगी। 10 डिग्री घुमाया तो 10 डिग्री की रीडिंग वो आप लोगों को यहां पर दिखाने लग जाएगा, क्लियर है। तो ऊपर वाला जो स्क्रू है क्या करता है, आप लोगों को यहां पर रीडिंग चेंज करके देता है। अब बात करते हैं लोअर वाला क्या करता है। अब हमने क्या किया, ऊपर वाला तो कर दिया टाइट और नीचे वाला कर दिया लूज। जब हम ऊपर वाला टाइट कर देंगे नीचे वाला लूज कर देंगे, तो अब दोनों प्लेटें ना साथ साथ घूमेंगी। जब आप लोगों ने सिर्फ ऊपर वाला ढीला किया था और नीचे वाला टाइट किया था, तो अभी सिर्फ ये घूम सकती है। अब ऊपर वाला टाइट है, नीचे वाला ढीला किया, अब दोनों के दोनों प्लेट साथ साथ घूम जाएगी। दोनों के दोनों साथ साथ घूम जाएगी तो रीडिंग देगी ही नहीं ना, क्योंकि एक पे मैन स्केल है एक पे वर्नियर स्केल है। जब दोनों के दोनों साथ साथ घूम गई तो कोई किसी तरह की रीडिंग आप लोगों को यहां पर जनरेट करते हुए नहीं देगी। और जनरेट करके रीडिंग देगी, इसका मतलब है कि अगर यदि यहां पर आपने ऐसा काम किया है कि आपने लोअर क्लैंप स्क्रू को लूज कर दिया और अपर क्लैंप स्क्रू को टाइट कर दिया, तो आपको किसी तरह का रीडिंग में चेंज नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि आपने दोनों, आपने क्या किया, नीचे वाला खोल दिया ऊपर वाला टाइट कर दिया, और फिर आप लोग टेलीस्कोप को घुमा रहे हो, तो टेलीस्कोप को कितना ही घुमा लो वो रीडिंग जीरो डिग्री पहले भी दिखा रहा था, बाद में भी जीरो दिखाएगा, कितना ही घुमा दो, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि देखो, तो अपर क्लैंप स्क्रू जो है ये आपको यहां पर जब लूजन करोगे आप लोग, लूज करोगे आप लोग या अनक्लैंप करोगे आप लोग, तो रीडिंग के अंदर आपको यहां पर क्या करके देगा, तो रीडिंग आप लोगों को यहां पर ये चेंज करके देता है। और अगर यदि आपने लोअर क्लैंप स्क्रू के साथ ये काम किया, लोअर क्लैंप स्क्रू को आपने जब लूज किया, तो ये रीडिंग के अंदर किसी तरह का चेंज आपको यहां पर नहीं देगा, ठीक है। अगर सर मैंने दोनों के दोनों ही लूज कर दिए, तो
तो दोनों प्लेट आप लोगों के इंडिपेंडेंट तरीके से घूमेगी। इस तरह से ऑपरेट करने का आप लोगों का कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए कोई ये पूछ मत लेना मेरे से कि दोनों के दोनों सर लूज कर दूं तो क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग यहां पर ध्यान रखें कि दोनों के दोनों को लूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक को टाइट रखना पड़ेगा, एक को आपको लूज करना पड़ेगा। कभी कभी बहुत सारे केसेस में क्या होता है, देखो ये क्यों किया, देखो इस तरह से क्यों कर रहे हैं हम लोग, दो अलग अलग प्लेट क्यों है। जैसे मान लो मेरे को रीडिंग निकालनी है, जैसे मान लो मेरे को यहां इस जगह से देखो कि यहां से मेरे को यहां का एंगल निकालना है, इस ए बी से लेके मेरे को यहां पर ए बी और ए सी के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, आपने थ्रूडलाइट को रखा हुआ है यहां पर, फिलहाल ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से थ्रूडलाइट रखा हुआ है आप लोग का ना, तो थ्रूडलाइट को आप लोग जीरो डिग्री पे सेट कर दो। पहले कर दिया जीरो डिग्री पे सेट, यहां पर मैंने कह दिया इस डायरेक्शन में जीरो डिग्री दिखा रहा है, तो जीरो डिग्री दिखा रहा है, तो आप लोग जब इसको इधर से यहां तक घुमाओगे तो आप लोग रीडिंग यही चेंज हो जाएगी, तो फिर आप लोगों को एंगल कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। इसलिए मैंने यहां पर पहले जीरो डिग्री पर सेट किया, फिर मैं यहां पर लोअर क्लैंप स्क्रू को क्या करूंगा, ढीला करूंगा, फिर मैं इसको इधर भी मोड़ दूंगा ना, तब भी जीरो दिखाएगा, रीडिंग चेंज नहीं होगी, लोअर क्लैंप स्क्रू से रीडिंग चेंज नहीं होगी, तो मैं यहां पर इसको उठा के यही रख दूंगा तो अब भी जीरो डिग्री दिखाएगा। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, लोअर वाले को टाइट कर दूंगा, अपर वाले को ढीला कर दूंगा। अब ये यहां से यहां तक जो रीडिंग है, वो जो भी रीडिंग आगे निकल जाएगी थीटा वीटा, वो रीडिंग आप लोगों को दिखाएगा। इस तरह से दोनों क्लैंप स्क्रूज आप लोगों के यहां पर काम करते हैं। क्लियर, मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां पर ये पॉइंट मेरा समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, एक स्मार्ट स्टेशन किसको कहते हैं। देखो स्मार्ट स्टेशन जानने से पहले मैं आपको टोटल स्टेशन के बारे में बता देता हूं। देखो थ्योडोलाइट जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के काम में आता है। टैक्योमीटर आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस काम करने के काम में आता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि सर कोई ऐसा स्टेशन है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सारे ही काम आप लोग को आराम से कर दे और उसके अंदर जो है पूरी काउंटिंग वगैरह वो सब करके दे, जैसे टैक्योमीटर में तो क्या होता है डी बराबर के एस प्लस सी ऐसे करके आप लोगों को यहां पर करना पड़ता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारा काम वो ऑटोमेटिकली करके दे दे, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट अगर यदि आपका कोई है तो दैट इज अ टोटल स्टेशन, दैट इज अ टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन आप लोगों को यहां पर बहुत सारे काम जगह काम में आते हैं, बहुत सारी जगह पे आप लोग यहां पर इसका काम देखोगे। जैसे ये एंगल्स का मेजरमेंट कर सकता है, सभी प्रकार के एंगल्स, सभी प्रकार के डिस्टेंसेस का मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, डिस्टेंसेस एंगल्स आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बना कैसे होता है, देखो एक तो यहां पर लगा रहता है इसमें थ्योडोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक थ्योडोलाइट। देखो बना कैसे, टोटल स्टेशन कैसे बना है, देखो टोटल स्टेशन कैसे बना है, टोटल स्टेशन कैसे बना है, इलेक्ट्रॉनिक आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक थ्योडोलाइट लिया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योडोलाइट लिया, इसके अंदर फिट कर दिया आपने ईडीएम। ईडीएम का मतलब, ईडीएम का मतलब इलेक्ट्रो डिस्टेंस मीटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर, डिस्टेंस मेजरमेंट की जो डिवाइस है ना वो, जैसे आप लोग टैक्यो, आपने वो टैक्योमीटर देखा, टैक्योमीटर डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेता हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल वो कैसे करता है, वो बराबर डी बराबर के एस प्लस सी के अंदर आपको स्टाफ की रीडिंग रखनी होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं इतना भी काम नहीं करना है आपको, बस सीधा इंस्ट्रूमेंट रखना है, रीडिंग आप लोगों को लेनी है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगा, डी बराबर के एस प्लस सी लिखाने की जरूरत नहीं है, स्टाफ आपने सामने रखा। अब ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर इस तरह का डिवाइस है जो कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के आप लोगों को यहां पर बेसिकली काम में आता है। इसके अंदर ना रे रिफ्लेक्ट होकर वापस उसके ऊपर टकराती है, उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते हुए आप लोगों को यहां पर सीधा रिजल्ट आप लोगों को डिजिटल कंप्यूटर के ऊपर दे देता है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर टोटल स्टेशन के अंदर क्या क्या लगा रहता है, एक तो थ्योडोलाइट लगा रहता है एंगल मेजरमेंट के लिए, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए ईडीएम लगा रहता है, और ईडीएम के अलावा यहां पर आपको एक सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आप लोगों को एक एक्सटर्नल कंप्यूटर लगा रहता है, या एक्सटर्नल आप लोगों को यहां पर कंप्यूटर नहीं बोलो तो एक्सटर्नल कंप्यूटर की जगह यहां पर मैं कोई वर्ड यूज करूं तो डाटा कलेक्टर कर सकता हूं, एक्सटर्नल डाटा कलेक्टर लगा रहता है। ये डाटा कलेक्टर आपको डाटा कलेक्ट करके जो भी पॉसिबल रिजल्ट रहते हैं वो आप लोगों को यहां पर निकाल के देता है, जो भी रिजल्ट आप लोगों को दिखते हैं ना वो आप लोगों को यहां पर दे देता है। ये काम हो गया भैया टोटल स्टेशन का। ठीक है, डिस्टेंस एंगल का मेजरमेंट करने के लिए कहां से कहां तक का ये मेजरमेंट कर सकता है ये भी आप लोग जान लो, तो ये ना एक से लेके तीन किलोमीटर तक की रेंज का आराम से आप लोग यहां पर कर सकते हैं काम, एक से तीन किलोमीटर तक की रेंज तक के रिजल्ट आपको देता है, तीन किलोमीटर बहुत होता है। ठीक है, प्रिसीजन की बात करूं तो एक्यूरेट कितना है सर, तो एक्यूरेट ये आप लोग का 5 mm तक है, 5 mm तक एक्यूरेसी देता है। एक्यूरेसी कितनी है इसकी, 5 mm तक के, जो एग्जैक्ट रिजल्ट की बात करूं ना मैं तो रिजल्ट प्लस माइनस 5 mm की डिस्टेंस पे ही आपको वेरी करता है यहां पर, तो एक्यूरेसी भी अच्छी है इसकी। ठीक है, अब बात करें, देखो स्मार्ट स्टेशन क्या होता है,
अगर यदि यहां पर इसी को मैं यहां पर अपग्रेड कर दूं, टोटल स्टेशन को ही अगर मैं यहां पर अपग्रेड कर दूं, तो आप इसके अंदर जीपीएस में फिट करा देते हैं। तो जीपीएस फिट करने से क्या होता है, जो लोकेशन रहती है ना, एग्जैक्ट जो कोऑर्डिनेट रहता है ना, वो कोऑर्डिनेट भी आपको एग्जैक्टली मिल जाते हैं। तो आप लोग यहां पर ईडीएम को यूज करते हुए आप लोग यहां पर ये पर्टिकुलर काम कर सकते हैं। तो देखो, वैसे भी आप लोग चाहे तो ऑप्शन से कैसे निकालते, देखो एक स्मार्ट स्टेशन क्या है, एक टोटल स्टेशन जिसमें जीपीएस लगा हुआ है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, टोटल स्टेशन जिसमें सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर तो पहले भी है, तो ये वाला स्टेशन नहीं है। टोटल स्टेशन के अंदर आपने कंप्यूटर अटैच कर दिया, नहीं किया, कंप्यूटर अटैच नहीं किया, डाटा कलेक्टर लगा हुआ है उसमें। कंप्यूटर स्टेशन, टोटल स्टेशन के अंदर आप लोगों को यूनिट दिखा रहा दोनों साइड से, बिल्कुल। तो आप लोग देखते हुए लगा सकते थे कि सर स्मार्ट स्टेशन बना रहा हूं, यानी कि जो लोकेशन है, जो कोऑर्डिनेट्स है, वो भी फिक्स तरीके से दे देगा ये। तो स्मार्ट स्टेशन कुछ नहीं है, टोटल स्टेशन का अपग्रेडेड वर्जन है। इस टोटल स्टेशन में मैंने यहां पर साथ में जीपीएस भी फिट कर दिया है, तो डेट विल बी नोन एज अवर स्मार्ट स्टेशन। बढ़ते हैं आप अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेवर्सिंग सर्वे, ट्रेवर्सिंग सर्वे इसमें से कौन सा वाला नहीं है। चेन कंपास सर्वे, देखो चेन और कंपास से आप ट्रेवर्स बना सकते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। देखो दिस इज द ट्रेवर्स, सीरीज ऑफ लाइंस जिसके अंदर आप लोगों ने यहां पर रिजल्ट ऑब्टेन किए हैं, ये आप लोग इस तरह से आप लोग पूरा काम कर रहे हैं। फ्रेमवर्क आपका कुछ ऐसा दिख रहा है, सीरीज ऑफ लाइंस जैसा, फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूं मैं ना। तो ये इस तरह का जो भी फ्रेमवर्क है, ये आपका ट्रेवर्स कहलाता है। ट्रेवर्स दो तरह के हो सकते हैं, पहला देखो ट्रेवर्स ना दो तरह के हो सकते हैं। पहला ट्रेवर्स होता है आप लोगों का यहां पर क्लोज ट्रेवर्स, दूसरा होता है आप लोगों का यहां पर ओपन ट्रेवर्स। ओपन ट्रेवर्स आप लोगों का काम में आता है, जैसे कि रेलवे प्लानिंग के अंदर, रोडवे प्लानिंग के अंदर, केनाल्स के अंदर, है ना, ठीक है। क्लोज ट्रेवर्स दो तरह के आते हैं, एक आता है लिंक ट्रेवर्स, एक आता है लूप ट्रेवर्स, ठीक है। ये वाला तो ओपन ट्रेवर्स हो गया है ना, इसको मैं ओपन बोल देता हूं फिलहाल। ये जो है आप लोगों का यहां पर ये क्लोज ट्रेवर्स हो गया, जिसके अंदर ये लूप ट्रेवर्स है। लूप का मतलब प्रॉपर लूप बन जाएगा, है ना, लूप बन जाएगा। लूप ट्रेवर्स का मतलब क्या है, जहां से काम चालू किया वहीं पे हम लोग आके खत्म किया है। तीसरा था लिंक ट्रेवर्स। लिंक ट्रेवर्स का मतलब क्या है कि दो नोन पोजिशन है, जैसे कि मान लो यहां से काम चालू किया ए से, ए पॉइंट भी आपको पता है मैप पे, और ये सी पॉइंट भी आपको पता है मैप पे, ये आपका नोन है। दीज आर दी नोन पॉइंट्स। अगर ये दोनों नोन है तो आप लोग इसको कह देंगे ये काम चालू करते हैं, तो ये पॉइंट तो नोन रहता ही रहता है, लेकिन ये आखिरी पॉइंट जो है ये अननोन है आपका। अननोन पॉइंट है तो ओपन ट्रेवर्स, पहला आखिरी पॉइंट, देखो पहला और आखिरी पॉइंट अगर यदि आपको अननोन है तो ये आपका ओपन ट्रेवर्स, नोन है तो ये आप लोगों का यहां पर लिंक ट्रेवर्स, ये आपका कहलाएगा लिंक ट्रेवर्स, है ना। लिंक यानी कि आपको यहां से आगे का मैप ऑलरेडी बना पड़ा है ना, ये आपका लूप ट्रेवर्स है ना, ठीक है। तो नॉन पोजिशन पर डिपेंड करता है कि आखिरी पॉइंट की पोजिशन नॉन है कि नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका यहां पर ट्रेवर्स। तो इस तरह के ट्रेवर्स तो चेन और कंपास से बनाते हैं, बिल्कुल चेन सर्वे से बनाते हैं, टेक्नोमीटर से बनाते हैं, प्लेन टेबल से बनाते नहीं बनाते, ये आप लोगों को यहां पर इसका आंसर यहां पर आपको उठा के देना है। तो देखो ऑब्वियस बात है, अगर यदि यहां पर मैं बात करूं आप लोगों से आगे की तरफ, तो सीरीज ऑफ लाइंस के अंदर आप काम चेन और कंपास से भी करते हैं, सिर्फ चेन चेन से भी कर सकते हैं, प्लेन टेबल सर्वे से भी कर सकते हैं, लेकिन टैक्योमीटर से आप लोग कभी भी ये काम नहीं करते। तो टैक्योमीटर आप लोगों का करेक्ट आंसर निकलेगा, इससे भी करते हैं। देखो चेन से ही बन सकता है सीरीज ऑफ लाइंस, प्लेन टेबल के अंदर भी आप लोग सीरीज ऑफ लाइंस बनाते हैं, लेकिन टैक्योमीटर जो है आप लोग चूंकि यहां पर आप लोग तो मॉडिफाइड वे में काम करते हैं, ट्रेवर्सिंग का प्रिंसिपल यहां पर आप लोगों का अप्लाई नहीं होता, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता। तो यहां पर इस पर्टिकुलर सवाल का जो आंसर यहां पर आप लोगों का लगा, दैट इज द टैक्योमीटर सर्वे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन थ्रू 180 डिग्री अबाउट इट्स टर्नाइन एक्सिस। देखो ये जो टर्नाइन एक्सिस है ना, इसको आप लोग यहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट किसी भी पर्टिकुलर टेलीस्कोप को 180 डिग्री में रिवॉल्व करना इन वर्टिकल प्लेन इस टर्म डेज। इसके तीन चार नाम है, इसको आप ट्रांजिटिंग बोल देते हैं, ठीक है, इसको ट्रांजिटिंग बोल देते हैं, इसको प्लंजिंग बोल देते हैं, प्लंजिंग नाम आप लोग नहीं भूलना, इसको आप लोग रिवर्सिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। तीनों में से कोई भी नाम दे, एक ही बात है, ट्रांजिटिंग, इधर ट्रांजिटिंग और प्लंजिंग और रिवर्सिंग, ठीक है। लेवलिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर लेके आना एक इंस्ट्रूमेंट को, जैसे बबल ट्यूब के हम करते हैं ना कि यार मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा है, ऐसा रखा है ना, तो बिल्कुल प्रॉपर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखना, एकदम अच्छे से मैंने यहां पर रखा हुआ है, डेट इज आउट इज अवर लेवलिंग। सेंटरिंग क्या होता है,
जी किसी पर्टिकुलर, देखो मेरे को पता है इंस्ट्रूमेंट मेरे को यहाँ पर कहाँ पर रखा हुआ है, वो जगह का पता करना कि जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुआ है इसके नीचे यहाँ पर हुक लगा रहता है इंस्ट्रूमेंट के, जहां से आप प्लम्ब हुक लटका के देखो तो आपको पता चलेगा अच्छा इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल में ग्राउंड पे यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट तो हवा में, आपको क्या पता ग्राउंड में कहाँ पोजीशन है, तो ग्राउंड में कहाँ पोजीशन, कहाँ से डिस्टेंस मेजरमेंट करोगे, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर काम में लेते हैं प्लम्ब हुक को काम में लेते हैं या फिर आप ऑप्टिकल प्लम्बिंग को काम में लेते हैं। तो दिस इज टर्म्ड एज सेंटरिंग। स्विंगिंग क्या होती है, देखो अभी वर्टिकल प्लेन में घुमाया मैंने, दिस इज टर्म्ड एज ट्रांजिटिंग। अगर यदि यहां पर मैं पूछूं सर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाने को क्या बोलेंगे, स्विंगिंग बोल देंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्विंगिंग बोल देंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दो डिस्टेंसेज है 200 मीटर और 298 मीटर। टैक्योमीटर इंस्ट्रूमेंट के अंदर दिखती है, इनका स्टाफ इंटरसेप्ट दे रखा है, एडिटिव कॉन्स्टेंट आपको निकालना है, निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं। देखो D बराबर केस प्लस सी होता है, ये मेरे ख्याल से अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, रट भी गया होगा, है ना। D की वैल्यू देखो, पहला कह रहा है दो डिस्टेंसेज मेजरमेंट किए 200 मीटर और 298 मीटर। ठीक है, हर एक के लिए सबकी वैल्यू अलग अलग है, सबकी वैल्यू यहां पर आपको यहां पर अलग अलग दिख रही है। D बराबर K इंटू, पहले वाले के लिए कितनी है 2 मीटर, दूसरे वाले के लिए वैल्यू कितनी है 3 मीटर। ये दो इक्वेशन बनी है आप लोगों के पास। इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन करूं तो कितना आता है आंसर, देखो 98 इक्वल्स टू के डॉट वन प्लस सी, प्लस सी, सी नहीं आएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी नो सी, के इंटू वन, है ना। तो यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई आपकी 98। अब चलो वैल्यू निकालते हैं सी की, तो C बराबर कितना हो जाएगा, चलो पुट कर दो, देखो तो यहां पर हो जाएगा 200 इक्वल्स टू 98 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू सॉरी प्लस C। देखो तो 2 इंटू 98 कर देंगे आप लोग और इसको से यहां पर घटा देंगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, C बराबर 4, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बिल्कुल इजी सवाल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सब कुछ दे रखा है डाटा के अंदर, आपको बस सिंपली सवाल सॉल्व करना है जो 2019 का सवाल है, है ना। बढ़े आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट करो आप लोग इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को दिखाना है, पहला इन द टोटल स्टेशन द एंगल्स एंड द डिस्टेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द डिजिटल फॉर्म। बिल्कुल देखो करेक्ट स्टेटमेंट है, मैंने आपको बोला कि एंगल को और डिस्टेंसेस को अलग से मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली आप उठा के नीचे रखोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली एंगल की वैल्यू डाटा कलेक्टर या कंप्यूटर के ऊपर आप लोगों को यहां पर दे देगा। वो छोटा सा ना आपको स्क्रीन लगी रहती है, जैसे कैलकुलेटर के ऊपर होती है ना स्क्रीन, फाइनल रिजल्ट दे देता है, फाइनल रिजल्ट निकाल के देता है। तो सीधी से बात है, टोटल स्टेशन के अंदर एंगल और डिस्टेंसेज जो है सीधा डिजिटल फॉर्म में आपको देखने को मिल जाते हैं, कन्वेंशनल तरीके से आपको रीड करने की जरूरत नहीं है कि स्टाफ पे जाके पढ़ रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं करना। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, टोटल स्टेशन कैन नॉट मेजर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेस देन 2 किलोमीटर। एक टोटल स्टेशन जो है वो मेजरमेंट नहीं कर सकता हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, नहीं। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, मैंने आपको बताया 3 किलोमीटर तो एक्यूरेटली काम करेगा, और एक्यूरेसी भी कितनी 5 एम तक की एक्यूरेसी। अगला, टोटल स्टेशन हैज ऑल फैसिलिटीज ऑफ टैक्योमीटर ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिकली। बिल्कुल टैक्योमीटर भी डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहा है, सारी फैसिलिटी है भाई। टोटल स्टेशन ऑपरेट कर सकते हो आप लोग कंट्रोल पैनल के थ्रू, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंप्यूटर से ऑपरेटेड रहता है। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो बी आप लोग यहां पर इसका आंसर लगा के चले जाएंगे, तो बी वुड बी द इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर। अगला, ये मेरे ख्याल से आखिरी सवाल है ना, तो देख लेते हैं हम लोग इस स्लाइड का अच्छे से कर लेते हैं। एक ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग है, ट्रिगोनोमेट्रिक, मैंने बोला ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग, ऐसी लेवलिंग जिसमें ट्रिगोनोमेट्री को यूज करना पड़ेगा और आपको लेवलिंग के रिजल्ट निकालने पड़ेंगे, दैट इज टर्म्ड एज योर ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग। एलिवेशन फाइंड आउट करना है ट्रिगोनोमेट्री की सहायता से, दैट वुड बी टर्म्ड एज योर ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग। अच्छा देखो क्या क्या कह रहा है, वर्टिकल एंगल आप लोगों को मेजर करने हैं, वेन्स आप लोग फिक्स है 1 मीटर और 4 मीटर पे, स्टाफ आप लोगों ने वर्टिकली पकड़ा हुआ है। देखो क्या कह रहा है, यहां पर आपसे कह दिया कि सर ट्रिगोनोमेट्रिक आप लोग लेवलिंग ली है, वर्टिकल एंगल आप लोगों को फाइंड आउट किए हुए हैं। देखो वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, ये आप ले यहां पर इस तरह से, यहां पर कुछ पर्टिकुलर रीजन, देखो मैं आपको बताता हूं सर, है ना, स्टाफ आप लोगों ने सीधा पकड़ा हुआ है, यहां से आप लोगों ने रीडिंग ली हुई है, और रीडिंग में कहां कहां से ली है पढ़ लेते हैं पहले। 1 मीटर और 4 मीटर आप लोगों को यहां पर देखने को मिला है, और पूरा मामला आपको इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, देखो
तो एक रीडिंग आप लोगों ने ली यहां पर और एक रीडिंग ली आप लोगों ने यहां पर, ये एक मीटर है, ये चार मीटर की मार्किंग है, यानी कि तीन मीटर हो गया ये, है ना। अब देखो दिख नहीं रहा होगा, भले लग नहीं रहा होगा, लेकिन रफ डायग्राम है, मान के चल लेना, ठीक है, मान के चल लेना। ये आप लोगों का यहां पर ये मैंने हॉरिजॉन्टल मान लिया, क्लियर है, बिल्कुल। ये आप लोगों की डिस्टेंस है, दैट इज टर्म्ड एज डी। अब देखो, अब निकालते हैं, आप लोगों से क्या क्या पूछा, क्या क्या और गिवन है, देख लो। एक मीटर और चार मीटर में मार्किंग होती है, स्टाफ को वर्टिकली पकड़ा हुआ है आप लोगों ने, स्टेशन पी से, दिस इज द स्टेशन पी, है ना। वर्टिकल एंगल जो है आप लोगों को दे रखा है तीन तीन डिग्री, देखो एक तो दे रखा है ये एंगल, दे रखा है तीन डिग्री और तीस मिनट, और दूसरा एंगल आप लोगों को दे रखा है छह डिग्री और पंद्रह मिनट पी से। आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पी जो निकालनी है और ये वैल्यू दे रखी है आपको, बिल्कुल चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो पहली बात, रिलेशन निकाल लो टेन थीटा के टर्म में, देखो बहुत इजी है यार, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले देखो, टेन तीन डिग्री और तीस मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जरा लगाओ, जरा टेन टेन की वैल्यू लगा दूंगा, देखो कितनी हो जाएगी। देखो तो मैं यहां पर, लेट मी से, मैं यहां पर मान लेता हूं कि दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, है ना। तो टेन तीन डिग्री तीस मिनट की वैल्यू आप लोगों को यहां पर क्या देखने को मिलेगी, तो देखो दिस इज, दिस वैल्यू इज द x डिवाइड बाई डी, एक्स डिवाइड बाई टी, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को यहां पर देखो, पर्टिकुलरली आप लोगों को और कोई खास यहां पर आपको यहां पर दिक्कत नहीं है, कि बहुत इजी तरह का सवाल है, इसी तरीके से आप लोगों को यहां पर निकल के आने वाला है, ठीक है। सेकंड रिलेशन देख लेंगे आप लोग। सेकंड रिलेशन है टेन छह डिग्री पंद्रह मिनट बराबर आप लोग कितना हो जाएगा, एक्स प्लस, देखो ये वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस तीन डिवाइड बाई टी, ठीक है, क्लियर चलेगा, बिल्कुल। देखो अब यहां पर आप लोगों को यहां पर देखो, टेन तीन डिग्री तीस मिनट की वैल्यू आपको दे रखी है, टेन तीन डिग्री तीस मिनट की 0.06611 है ना, और यहां से आप लोग x की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं डायरेक्टली। देखो वैल्यू आप लोग यहां से चाहे तो जैसे चाहे आप लोग यहां पर पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से देख सकता हूं x बराबर होगा 0.06611 इंटू डी, ठीक है, यहां से इसकी वैल्यू पुट कर दो, 10 6 डिग्री 15 मिनट की वैल्यू 0.1095 इक्वल्स टू 0.06611 डी प्लस 3 डिवाइड बाय डी, ठीक है। यहां से इसको फर्दर सोल्व करेंगे, यहां पर सोल्व कर देता हूं ना, यहां पर देखो फर्दर सोल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 0.1095 डी बराबर 0.06611 डी प्लस तीन, ये लो साहब कितना इजी है। देखो मैं यहां पर कैलसी से सॉल्व कर लेता हूं, आप लोग चाहे तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी पड़ जाएगा। अब यहां पर 0.1095 माइनस कर दूंगा मैं यहां पर 0.0611, है ना, वैल्यू आ जा रही है, और तीन से मैं यहां पर इसको डिवाइड कर दे रहा हूं, तीन डिवाइड बाय आंसर। तो यहां पर ये जो आंसर यहां पर आप लोगों का निकल के आ रहा है, डेट इज द डी इक्वल्स टू 61.9834 मीटर, जो कि लगभग 65 मीटर के आसपास है, क्लियर। कितने इजी तरीके से कर लिया आप लोगों ने, है ना, कुछ नहीं किया, बस 10 की वैल्यू निकाली है और सारी वैल्यू पुट करते हुए आप लोगों ने बस दो इक्वेशन बनाई, दो अननोन है, कंप्लीटली आप लोग यहां पर आंसर दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह के सवाल करने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली, मेरे ख्याल से मजा भी बहुत आया होगा इस प्रकार के सेशन के अंदर, है ना। चलो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।